हेलो वन माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी की फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है। 19 तारीख को ट्रेलर आने वाला है। आज आया है मोशन पोस्टर, नाम है पिक्चर का सेल्फी, और हमारे साथ में आ गया हमारा मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब। सेल्फी का मोशन पोस्टर आया है। एक सेल्फी बननी चाहिए सर। एक सेल्फी बनती है। चलिए, ओके, क्या बात है। चलिए, सेल्फी के मोशन पोस्टर पे एक सेल्फी हो गई है मेरी और हमारा मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब की। क्या कहना चाहोगे इस मोशन पोस्टर पे? सब पोस्टर तो धमाकेदार दिख रहा है। पोस्टर में सबसे पहले देखने को हमको सीरियल किसर, इमरान हाशमी साहब सीरियल किसर, वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फिर बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार साहब। अक्षय सर, अब बहुत हो गए डिजास्टर, बहुत हो गए फ्लॉप। अब दे दो, आप दिखा दो बॉलीवुड को कि बहुत हो गया, मैंने अभी जितना भी था हो गया, अब देखो मेरा ये कमाल। राज मेहता डायरेक्टर है जिन्होंने गुड न्यूज़ अक्षय सर के साथ ही की थी, फिर लास्ट वरुण धवन अनिल कपूर सर के साथ जुग जुग जो की थी। नाइट डायरेक्टर, उन्होंने दोनों भी फिल्म अच्छी बनाई थी, इट्स नॉट अ बैड। अब बात करते हैं इसके प्रोड्यूसर की, तो करण जौहर साहब, हीरो यश जौहर साहब, करण जौहर साहब मिट्टी सुपारी, मीठे पान में तंबाकू। अच्छा, तो अभी देखना है, 24 फरवरी को मूवी है और 19 को इसका ट्रेलर है, तो हम ट्रेलर और मूवी भी तो ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि हमारा रिव्यू अच्छा अच्छा नहीं सच्चा सच्चा होता है, ये हमारा टैगलाइन है। और बात करें अगर इन दोनों की, तो इन दोनों ने एक मूवी की थी जिसका रीमेक अक्षय कुमार सर ने किया था, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड दोबारा, जिसमें इमरान हाशमी ने जो कैरेक्टर निभाया था दाऊद का कैरेक्टर, वो आज भी माइंड में हमारे ऐसा चलता है कि जहाँ भी हम लोग कोई अगर वेब सीरीज भी देखते हैं, अगर वो सीन आ जाए तो इमरान सर दिमाग में आते, क्योंकि उनका डायलॉग डिलीवरी और जो लुक्स था पूरा मैच हो रहा था। लेकिन पता नहीं बिलेन लुथरिया सर को ऐसा क्या हो गया, उन्होंने अक्षय सर को उठा के ले लिए, वो चंबू जैसे बाल, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी नहीं, मूवी का भी कुछ समझ में नहीं आया था, चेन्नई के साथ लगी थी, तो यहाँ पे वही दोनों साथ में आ रहे। अब देखना है कि बॉक्स ऑफिस पे कितना बड़ा धमाका होता है, क्योंकि फिल्म रीमेक है ये। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस का नाम था पहले वाली फिल्म का, साउथ की फिल्म थी, ये वाली रीमेक है, यहाँ पे अपने नाम दिया है बॉलीवुड में सेल्फी। सेल्फी देखते हैं, ट्रेलर तो से है, काफी उम्मीदें हैं मेरे को भी। रीमेक तो सालों से बनता आ रहा है, कोई नया पापड़ नहीं है जो आज चबाने को मिल रहा है, बहुत पुराने टाइम से, ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से चलते आ रहा है, तो रीमेक है चलो। लेकिन ये है कि बस ऑडियंस को सर अभी बहुत हो गया, क्योंकि आपने अभी बहुत सारी आपकी मूवी जो है, लास्ट में राम सेतु गई, आपकी बच्चन पांडे, बहुत सी मूवीज थी जो नहीं चल पाई, बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा नहीं हो पाया। ओके, हमारे स्ट्रगलर को बहुत उम्मीदें हैं, कह रहे पाजी अक्की पाजी अब तो दे दो कमबैक, बोले काफी हो गई लाइनें फ्लॉप की, इस बार होनी चाहिए हिट। मैं तो बोल रहा हूं, करण जौहर ने खुद बोला होगा अक्षय इस बार मुझे गल्ला भर के चाहिए। चलिए, आएंगे हम आपके पास में जब आएगा सेल्फी का ट्रेलर, और आपसे आपका ऑनेस्ट रिव्यू जान के लेंगे, हमारे थ्री इडियट से भी जान के लेंगे, और हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी से भी जान के लेंगे। स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड प्रीमियर। थैंक यू।